Sir, it was a treat listening to you. A very important topic, an ignored topic, I guess, with physicians as well. I think we need to look into this area of hypertension management. And time and again, we have been teaching undergraduate, postgraduates that the treatment of hypertension is changing. You need to phenotype your patient. You need to know what kind of blood pressure variability he has and it impacts on the management overall. So a comprehensive talk, sir. Thank you very much. Next speaker is Dr. Fawad Farooq. He will be talking on blood pressure variability, a case-based discussion. Dr. Fawad Farooq is a known cardiologist with years of experience in this field. He is presently working as consultant interventional cardiologist, associate professor at NICVD. He has worked as a clinical coordinator and has taken part in clinical teaching of medical students posted at NICVD. Furthermore, he has also acted as a supervisor for the highest cardiology post-training program, which is FCPS Cardiology, and has numerous trainings under him. He runs a YouTube and Facebook channel by the name of Dr. Fawad Farooq for imparting medical knowledge in medical professionals and common people. He has published a few publications. I welcome Dr. Fawad Farooq. Round of applause for him. Thank you, Ali, for that introduction. अभी बड़ी शेर व शायरी की बातें आप कर रहे थे, मुझे उस पर एक लतीफ़ा भी याद आ गया अभी कि एक साहब वो जहाज़ में चढ़े, बराबर में उनके तो बात शुरू हुई कि उनसे पूछा उन्होंने क्या करते हैं, उन्होंने अपना पेशा बताया, इन्होंने फिर उनसे पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, कह रहे मैं शायर हूँ, तो फिर उन्होंने कहा मैं बह रहा हूँ। तो बस शायरों को तो जहाँ मौका मिले वो फिर अपना कुछ ना कुछ कुछ शुरू कर देते हैं। बहरहाल द टॉपिक विच आई हैव टू कवर इज केस बेस्ड डिस्कशन ऑन हाइपरटेंशन वेरिएबिलिटी। अब मेरा टॉपिक प्रोफेसर सौलत फातमी ने बड़ा आसान कर दिया है कि बहुत सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट की डिस्कशन मैंने करनी थी दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड। सो व्हाट आई ट्राई, आई गिव यू सम ग्लिम्पसेस ऑफ दोज हाइपरटेंशन वेरिएबिलिटी, वेयर, वाई एंड इट्स रियल क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस, कि आपको कहाँ ये मुसीबतें खड़ी करता है, कि क्या प्रॉब्लम आते हैं इसकी वजह से, और फिर हम आगे केस बेस्ड डिस्कशन लेंगे कि इसमें क्लिनिकल एप्लीकेशन के हवाले से क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। अच्छा, ये कल बड़ी बात हो रही थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन की, आज हमने हिम्मत की, बराबर वाले पार्क में गए, हमारे मॉडरेटर साहब भी नहीं थे, कोई भी नहीं था सुबह एक्सरसाइज के लिए, विच इज द बेसिक्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनीथिंग। ये जस्ट इससे दो मिनट बाजू में एक पार्क है और उसका नाम भी है सुखचैन पार्क, कि बिल्कुल आपको डिप्रेशन से आजाद कर देगा। तो वो उसमें भी मुझे एक शेर याद आ गया, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। तो हम गुफ्तार के गाजी बने में हैं, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्फ व्हेन वी आर प्रीचिंग, वी आर एडवाइजिंग एवरीवन टू डू एक्सरसाइज। तो उम्मीद है कल मुझे काफी लोग मिल जाएंगे, तो कल हमारा 6 बजे हम लॉबी से निकलते हैं, उम्मीद है कि और लोग मिल जाएंगे, तो हम ग्रुप सेशन करेंगे इंशाल्लाह योगा या एक्सरसाइज का। भारत, लेट्स कम टू द सब्जेक्ट। We all know cardiovascular continuum, blood pressure one way or the other, it's not just a risk factor or a game of numbers, कि number ऊपर हो गया और number नीचे हो गया। When your numbers are high, what they really do every organ damage by affecting your endothelium. And endothelium is there in every vessel. और ये तो मैं आपको सिर्फ कार्डियोवेस्कुलर और रीनल कंटिन्यूम इसका दिखा रहा हूं। इन दिस फैशन ब्लड प्रेशर इज अफेक्टिंग एवरी मेजर और माइनर और माइक्रो और मैक्रो वेस्कुलेचर, ऑर्गन भी और वेस्कुलेचर भी, सबका सब इफेक्ट हो रहा है। हार्ट के रिलेशन में आप देखें LVH, MI, रिमॉडलिंग, डेथ, सब कुछ हो रहा है। सिमिलरली रीनल में देखें, और ये कॉन्कॉम्पिटेंट साथ साथ चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं, माइक्रो एल्बुमिनुरिया, मैक्रो प्रोटीन यूरिया, तो ये आपको आ गया तो समझ लें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो गया है। सो वी डोंट हैव टू टेक ब्लड प्रेशर एज ए लाइटली थिंग
or a disease of number ke bas number niche le aaye. We have to assess our patient comprehensively. मुसीबत क्या है कि ये ब्लड प्रेशर की पैथोफिजियोलॉजी अभी तक हमें समझ में नहीं आई है. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इफेक्टिंग योर ब्लड प्रेशर, और ये भी समझ में नहीं आया क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है. ये तो अपकमिंग एविडेंस से हम फैसले करते रहते हैं कि यहां तक रख लें तो ठीक है. जब ये शुरू हुआ था तो इवन 40s या 50s में तो ये भी कहते थे वो पागल होगा जो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करेगा, ये तो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है. फिर आया नहीं नहीं जिनको कोमॉर्बिड्स हैं उनमें ट्रीट करना चाहिए स्पेशली एंजाइना. फिर ये चेंजेस होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू एविडेंस. स्टिल नोबडी नोज व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये कहना बड़ा मुश्किल है. इवन इन ईच इंडिविजुअल नॉर्मल ब्लड प्रेशर में भी डिफरेंट, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट में ब्लड प्रेशर डिफरेंट होगा और एक ग्रुप में डिफरेंट होगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिसको हम ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे. तो इस वजह से क्या होता है, और सॉरी मैं इस पे अपना जो टॉपिक है उससे बात करना भूल गया. आप इन्फ्लुएंसेस देखें, एक ब्लड प्रेशर किसी बीट पे जो ब्लड प्रेशर बन रहा है उस पे इन्फ्लुएंसेस किस किस चीज के हैं. ट्रांजिएंट इन्फ्लुएंसेस हैं, परसिस्टेंट इन्फ्लुएंसेस हैं, एक्सट्रिंसिक इन्फ्लुएंसेस हैं, इंट्रिंसिक इन्फ्लुएंसेस हैं, जो आपके हर इंडिविजुअल बीट के ब्लड प्रेशर को गवर्न कर रहे हैं कि अगली बीट का ब्लड प्रेशर क्या होगा. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं जरा और पुरजोश हो जाता हूं तो कुछ और हो जाएगा, शेर पढ़ देता हूं तो कुछ और हो जाएगा, हंस देता हूं तो कुछ और हो जाएगा. और ये जो रीडिंग है ये एक सोए हुए आदमी की रीडिंग है. ये सोए हुए आदमी की रीडिंग का ये हाल है कि यू कांट फाउंड अ स्टैटिक नंबर, ये ऊपर नीचे रहता है. और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही वक्त स्टैटिक होगा जब मिट्टी के नीचे होंगे, वरना ये ब्लड प्रेशर में तगैयुर रहेगा. और कल हमारी बात हुई थी कि ये तगैयुर तो जिंदगी है, चेंज इज लाइफ. दिस ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज इज अ चेंजिंग वेरिएबल. अब प्रॉब्लम शुरू होता है कि ये वेरिएबिलिटी क्या चीज है. ये तो क्लियर होगा कि ये वेरिएबल है बीट टू बीट. अब ये वेरिएबिलिटी एक्चुअली, जैसे अभी मैंने पैथोफिजियोलॉजी में बताया, एक्सट्रिंसिक एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर फैक्टर, इंट्रिंसिक कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, न्यूरल न्यूरल रिफ्लेक्स, हॉर्म्यूरल, दैट आर नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड. हमें पता नहीं है कि ये क्या चीजें हैं जो ये डिफरेंट बीपी को डिफरेंट वक्त में डिफरेंट कर देती हैं. और ये वेरिएबिलिटी भी एक इंडिविजुअल में भी डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट हो सकती है. एंड दिस कैन बी इवन वेरी शॉर्ट बीट टू बीट, शॉर्ट विद इन 24 आवर पीरियड, मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे, इवन लॉन्ग टर्म, विजिट टू विजिट, सीजनल. इसके कोई ट्रेंड्स आपको पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन ये सब होती हैं. और ये मुमकिन है कि एक आदमी को एक दौर में हो और अगले दौर में ना हो. वी डोंट नो हु इज गोइंग टू सफर. अब ये कुछ कोरिलेशंस हैं विद डिफरेंट आइडेंटिफाइबल फैक्टर ब्लड प्रेशर की, जो डिफरेंट टाइप की वेरिएबिलिटीज हैं उनसे. मसलन वेरी शॉर्ट टर्म बीट टू बीट, ज्यादातर सेंट्रल सिंपैथेटिक ड्राइव, आर्टेरियल और कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्स, ह्यूमरल, बिहेवियर, इमोशनल एक्टिविटी, स्लीप, वेंटिलेशन, ये और इनके इंपैक्ट हैं. और ये अच्छा है कि मेरा काम आसान है, मैं ज्यादा एविडेंसेस में नहीं जाऊंगा कि ये सब इंक्रीज सब क्लिनिकल ऑर्गन डैमेज, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट और मोर्टेलिटी को इंक्रीज करते हैं, रीनल आउटकम्स उनमें थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है और ये भी अभी क्वेश्चनेबल है. फिर क्या हो रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म से आप शॉर्ट टर्म पे आ जाएं, आर्टेरियल कंप्लायंस अलोंग विद दीज थिंग्स, वो भी साथ साथ चलती हैं क्योंकि वो बीट टू बीट जो कर रही है वो उसमें भी इन्वॉल्व होगी जो वेरी शॉर्ट से शॉर्ट टर्म में आ रही है. सिमिलरली मिड टर्म है तो उसमें फिर आपका इनअप्रोप्रिएट डोजिंग और टाइट्रेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन भी शामिल हो सकती है, और इसमें इवन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एरर भी हो सकते हैं. तो ये सब चीजें आपको जज करनी है जब कोई वेरिएबिलिटी के साथ आपके पास मरीज आता है. उसमें इन तमाम पैथोफिजियोलॉजी को एड्रेस करना है. सीजनल चेंजेस हैं, गर्मी में कुछ और हो सकता है, सर्दी में कुछ और हो सकता है. और ये एक रीडिंग है, इवन आप जो लम्हों की हम होम बेस्ड रीडिंग रहते हैं वो भी किस तरह अफेक्ट हो सकती है. आप देखें अगर आप 24 आवर की ले रहे हैं तो कुछ और ही है, दिन की कुछ और है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखें इसकी 9 का चेंज है, रात में
15.5 का चेंज है और फिर डिफरेंट है, टाइमिंग्स में डिफरेंट है, एवरेज कुछ और हो रहा है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज इन एनी इंडिविजुअल. ये दो डिफरेंट लोगों की वेरिएबिलिटीज हैं लेकिन बिहेवियर दोनों का डिफरेंट है. इसकी वेरिएबिलिटीज कम है, इसकी वेरिएबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, एंड दैट हैपेंस. अब जो की क्वेश्चंस निकलते हैं यहां से, द क्लिनिकल पार्ट्स, उसके बाद मैं केसेस पर आता हूं. इज इट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स विद नो कॉन्सिक्वेंसेस? क्योंकि फिजियोलॉजी तो है, अभी हमने देखा हुआ था सोते हुए भी एक सा बीपी नहीं है. इज इट रिलेटेड टू एडवर्स आउटकम? क्या इसकी बुनियाद पे पेशेंट को कोई एडवर्स आउटकम होते हैं ब्लड प्रेशर पे? हाउ टू असेस एंड आर वी असेसिंग? क्या हमारी कंसिडरेशन में ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी भी होती है अपने मरीज की या नहीं, और क्या हम उसको असेस करते हैं, और अगर करें तो किस तरह करें? एंड लास्ट, आर देयर स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इट? तो ये डिफरेंट केसेस हम जाएंगे. एविडेंस ऑलरेडी काफी हद तक ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है तो उसको मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है. उनकी बुनियादों पर हम कुछ सवालों के जवाब तो शायद अभी भी दे सकते हैं जितना एविडेंस डॉक्टर सौलत ने बता दिया है. फिर क्लिनिकल केसेस से अपने एक्सपर्ट्स, क्योंकि इसके बाद हमें पैनल डिस्कशन पे भी जाना है, उन केसेस में हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेके कि उनको कैसे हैंडल करें जो वेरिएबिलिटी के केसेस क्लिनिकल डेली रूटीन में आपके पास आते हैं, हाउ टू हैंडल. और इसमें दो बड़े क्वेश्चंस यही हैं, हाउ टू असेस एंड आर वी असेसिंग, और आर देयर स्ट्रेटजी टू रिड्यूस, और किसको ऑफर करें, किसको वो स्ट्रेटजीज ऑफर ना करें. No, it has consequences. ये एविडेंस ने बता दिया, इसलिए मैं इसके एविडेंस आपके सामने. इट इज रिलेटेड टू एडवर्स कहूं? यस, इट इज रिलेटेड टू. इतना एविडेंस आपके पास मौजूद है. ये क्वेश्चनेबल है, रिसर्च क्वेश्चन है. डिफरेंट मोडेलिटीज अप्लाई हो रही हैं ताकि जज हो सके. इवन होम बेस्ड रीडिंग के इंडिविजुअल भी उसके साथ फैसले नहीं कर पा रहे कि क्या करना है, कि किसमें कितनी है, क्योंकि अभी आपने देखा कि एक आदमी में 24 घंटे में दिन रात सुबह शाम किस किस तरह चेंजेस आ रही हैं. सिमिलरली, आर देयर स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस? ये भी एक रिसर्च क्वेश्चन है कि क्या कोई स्पेसिफिक ड्रग या कोई तरीकेकार जिससे हम इस, और किसको करें किसको ना करें, हर हाइपरटेंसिव में किस वेरिएबिलिटी पे हम ये करें और कहां ना करें. इस वेरिएबिलिटी का इफेक्ट इवन स्टार्टिंग फ्रॉम डायग्नोजिंग अ पेशेंट टू अप टाइट्रेटिंग, डाउन टाइट्रेटिंग, चेंजिंग मेडिकेशन, सब पर होता है. अब ये जैसे केस है, 57 ईयर्स ओल्ड मेल विद नो सिग्निफिकेंट पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंटेड विद माइल्ड हेडेक एंड फाउंड टू हैव अ ब्लड प्रेशर ऑफ 150-90. 2 week follow-up of blood pressure revealed ranges from 120 to 160 systolic and 80 to 100 diastolic. अब इस वेरिएबिलिटी पे क्या ये नॉर्मल रिस्पांस रहा जो कुछ है, या हाइपरटेंसिव है, या ट्रीट करें ना करें, ये वेरिएबिलिटी हमें यहां मुसीबत में डालती है. सेकंड केस, आपके पास ऑलरेडी पेशेंट है जो एक ड्रग ले रहा है, 6 इयर्स फीमेल, अनकॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव फॉर 5 इयर्स ऑन एस इनहिबिटर्स, केम टू ओपीडी कंप्लेनिंग ऑफ फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर, और स्पेशली सुबह के वक्त फजर में उठते हैं उस वक्त बीपी बढ़ा हुआ होता है. एक इसमें कोरिलेशन बात हो रही थी अभी हम डिस्कशन में कर रहे थे, सिम्टम के साथ बीपी की इंपॉर्टेंस नहीं होती है. अक्सर लोग अपने बीपी उस वक्त लेते हैं जिस वक्त उनको सिम्टम हो रहे होते हैं. बहरहाल, इन तमाम चीजों के आंसर्स हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे इन क्वेश्चंस के. सर रेडी रहें, अच्छी तरह देख लें अपने सवालात, पास होते हैं या नहीं देखते हैं अभी, कि सब सेटिस्फाई हो जाए कि इनको हैंडल कैसे करना है. 45 years male, known hypertensive on beta blockers, came for routine follow-up with recently monitored home-based reading for last 1 month with marked fluctuation in blood pressure from 110-70 to 160 mm by 100 mmHg. और ये सारे प्रैक्टिकल हम रोजाना डील करते हैं इस किस्म के केस, कि हाउ टू डील विद देम. किसी भी ब्लड प्रेशर के मरीज में, एक मैंने सोचा कि प्राइमरी केयर है, साइकेट्रिक कोलीग्स हैं, एक रफ अप्रोच भी हम डिस्कस कर लें, क्योंकि हमारा पहला केस डायग्नोसिस से रिलेटेड है. लेकिन ये चीज, आपके पास कभी भी ब्लड प्रेशर का मरीज आए तो उस पर ये चारों ऑब्जेक्टिव अप्लाई होते हैं. व्हाट आर दोज ऑब्जेक्टिव्स? कि हमेशा
जो भी प्रॉब्लम आप सोच रहे हैं उसको कंफर्म इस लिहाज से करें कि ये वाकई हाइपरटेंशन रिलेटेड इशू है, क्योंकि हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी पे बहुत से एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक चीजें इफेक्ट हो रही हैं। तो पहले ये कंफर्म करना है, आर यू रियली डीलिंग विद दैट? लाइक अगर डायग्नोसिस का केस था तो क्या वाकई वो हाइपरटेंशन डील कर रहे हैं? जब आप वेरिएबिलिटी की बात करें तो वाकई ये जेन्युइन वेरिएबिलिटी है पैथोलॉजिकल, रादर देन कोई एक्सटेंसिक ऐसा एलिमेंट शामिल है जो रेक्टिफाइबल है, तो ये पहला स्टेप होगा। सेकंड, हमेशा ब्लड प्रेशर की इटियोलॉजी जरूर रिलेट करें फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर्स में, या राइट फ्रॉम द बिगिनिंग किसी को हाइपरटेंशन है, एज्यूम ना कर लें कि ये सिर्फ एसेंशियल ही हो सकता है, ये कुछ और चीज भी हो सकती है। तीसरी चीज, कॉम्प्लिकेशंस का पता होना चाहिए कि आपके मरीज में इस वक्त क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मौजूद हैं। अदर को मॉर्बिड्स का जानना बहुत जरूरी है मरीज में। इनको मैं क्विकली जाता हूं, डायग्नोसिस की बातें हो चुकी हैं कि AHA गाइडलाइंस के मुताबिक अब हाइपरटेंशन 130-139 से शुरू हो जाता है और 80-89 डायस्टोलिक, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आपके पास वेरिएबिलिटी के साथ लोग आते हैं, ब्लड प्रेशर प्रॉपरली चेक हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये एक और बड़ी मुसीबत कि मैं क्लिनिकल डॉक्टर्स, आपने ये देखा है कभी इसमें, बाकी तो चीजें सारी कन्वेंशनल हैं जो हम सबको पता है कि एक सही मेथड ब्लड प्रेशर के चेक करने का क्या है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टेक द प्रॉपर मेजरमेंट नीडेड फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एलर्ट, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट एंड एक्यूरेट बीपी रीडिंग। आज तक आपने कभी 10 के मल्टीपल के अलावा बीपी देखा? क्या हमेशा बीपी 10 का मल्टीपल होता है? किसी का बीपी 134/84 भी तो हो सकता है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं लिखा। इसका मतलब है हम प्रॉपरली बीपी देखते ही नहीं है, हम हमेशा राउंड ऑफ करते हैं बीपी को कि जो भी 10 के करीब होगा वहां पे उसको बीपी को कर देंगे। जब आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि एक एक MMHG से मरीज यहां से वहां चला जाता है, तो ब्लड प्रेशर लेना भी तो एग्जैक्ट है और लिखना भी एग्जैक्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप एग्जैक्ट बीपी लिखेंगे, आजकल तो डिजिटल है, आसान हो गया है, अगर जो मैनुअल ले रहा है तो उस मैनुअल लेने वाले को एग्जैक्ट रीडिंग देखनी है कि एग्जैक्ट रीडिंग क्या आ रही है, और वही रीडिंग लिखनी है। जब आप लिखने के एग्जैक्ट आदि होंगे तो देखने के आदि खुद ब खुद बन जाएंगे, वरना 34 को खुद ही 30 राउंड ऑफ कर देंगे या 35 को 40 राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स में। फिर इसी वजह से ये जो वेरिएबिलिटी का इशू था कि अब हमें बीपी किस किस वक्त के चाहिए, क्लिनिक का अलग, होम का अलग, 24 आवर अलग, फिर इनके कोरिलेशन है कि क्लिनिक का ब्लड प्रेशर एज कंपेयर टू 24 आवर कुछ और होता है, नाइट टाइम का नॉर्मल कुछ और होता है। ये सब गाइडलाइंस में है मौजूद कि ये क्यों है, क्योंकि वेरिएबिलिटी है ब्लड प्रेशर की, और इसी वजह से आप किसी एक रीडिंग पे फैसला नहीं होता। आउट ऑफ ऑफिस बीपी मेजरमेंट्स आर रिकमेंडेड टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन एंड फॉर ट्रीटमेंट, यानी आपके उस एक रीडिंग पे फैसला किसी भी चीज का, ना डायग्नोसिस का, ना अप टाइट्रेशन का, ना बिकॉज ऑफ दैट वेरिएबिलिटी इशू, कि जब तक आपके पास प्रॉपर होम बेस्ड रीडिंग या उसके डिफरेंट है, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर, होम बेस्ड, ऑफिस बेस्ड, इन सब का कंबाइन करें। इटियोलॉजी को हम छोड़ देते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी आप सबको पता है, हम अपने उस पर आते हैं। तो एक ओवरऑल असेसमेंट मरीज की बहुत जरूरी है, और वो असेसमेंट होती है प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर एग्जामिनेशन। जब आपके जहन में वो चारों ऑब्जेक्टिव रहें इन टर्म्स ऑफ मेकिंग डायग्नोसिस, जब तक आप उस हाई ब्लड प्रेशर्स को कोरिलेट ना करेंगे कोई एडिशनल चीजों से, प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर एग्जामिन करके, तब तक आप फैसला नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशंस बहुत जरूरी है एक ब्लड प्रेशर के मरीज में, कुछ बुनियादी, चाहे वो फॉर द फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस के लिए जा रहा हो या फॉलोअप पे आया हुआ हो, अगर उसकी ये चीजें नहीं हुई हैं तो कराना जरूरी है। अब देखें टारगेट और गोल्स, ये इंपॉर्टेंट है कि ये आप, ये अभी रिस्क कैलकुलेटर्स की बात हो रही थी, ये वो रिस्क कैलकुलेटर है जिसे आप रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि कितना है मरीज का, और इसकी बुनियाद पे अब हर इंडिविजुअल का टारगेट डिफरेंट है कि उसका रिस्क स्टेटस क्या है, उसमें क्या कोमोबिडिटीज हैं। लेकिन रफली इसको अगर हम कंबाइन कर लें तो एक अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंसिव के टारगेट लेस देन 140/90 है, और एक कॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंसिव के लेस देन 130/80। लेकिन इस बात का फैसला कैसे होगा कि लेस देन 140/80 या लेस देन 140/90 या लेस देन 130/80?
जब तक के कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट नहीं होगी मरीज की। ट्रीटमेंट के हवाले से हमें पता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, इनिशिएशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव फर्स्ट लाइन एजेंट्स कुछ भी एडवाइस की जा सकती हैं। एक से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बड़ा हो तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दो दवाइयां दी जा सकती हैं। अब तक की इस डिस्कशन से अगेन ये दो क्वेश्चंस तो क्लियर हैं, इनके अभी तक अनआंसर्ड बातें हैं कि हम कैसे मेजर करें और किस तरह जज करें। इसका थोड़ा बहुत मैं एविडेंस आपके सामने करता हूं। विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ये पिछली प्रेजेंटेशन में भी बातें आई थी। कुछ एविडेंसेस अवेलेबल हैं जिससे यह आइडिया किया जा सकता है कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो इन वेरिएबिलिटीज को अफेक्ट कर रही हैं, लेकिन कोई इंटरवेंशनल ट्रायल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि इन दवाइयों को यूज करने के बाद एज कंपेयर टू अदर ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी के मरीज में आउटकम्स बहुत ज्यादा बेहतर हो गए। इसीलिए गाइडलाइन में अभी तक वेरिएबिलिटी की असेसमेंट पे तो जोर है, क्योंकि इसका इंपैक्ट हर चीज पर है, डायग्नोसिस पे, अप टाइट्रेशन पे और डाउन टाइट्रेशन पे। लेकिन अभी तक इसका रिलेशन आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट द एक्सपर्ट से, इसका रिलेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी बुनियाद पे कोई स्पेसिफिक दवा चूज की जाए, ये अभी क्वेश्चनेबल है। बट देर आर फ्यू एविडेंसेस। एस्कॉट BPLA ये आ चुका है एमलोडिपिन और एटिनोलॉल के कंपैरिजन में। एमलोडिपिन वाज बेटर इन टेकिंग केयर ऑफ वेरिएबिलिटीज एज कंपेयर टू एटिनोलॉल। मोनोथेरेपीज का कंपैरिजन है, छोटी सी स्टडीज है डिफरेंट पेशेंट्स ग्रुप्स में, जिसमें अगेन एमलोडिपिन एंड टेलमीसार्टन, दीज टू हैव शोन टू बी बेटर इन टेकिंग केयर ऑफ दीज वेरिएबिलिटीज। स्टडीज इन रैट शोड इंप्रूव्ड आउटकम, बट कंक्लूसिव क्लिनिकल स्टडीज आर इन पेंडिंग ह्यूमंस में। हर कोई चाहता है वैसे कि अगर पहाड़ पे भी चढ़ना पड़े तो पहाड़ ऐसा हो, स्मूथ हो, इस किस्म का ना हो। तो उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ इसके लिए हम करेंगे कि ये जो चेंजेस पीक्स एंड ट्रफ्स हैं इनको काबू किया जाए इन टर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर। अब इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल किस तरीके से इंटरवेंशन की जाए ये हम देखते हैं। सो वी आर कमिंग बैक टू आर केसेस एंड नाउ The forum is open for comment, conclusion, discussion, or whatever, anything. And I think you can call experts on the podium so that they can add on to these cases as well. And then we further go with question answer sessions and final conclusion. Ji. Bas ye teen cases tak, then I'll a few moments. Then I would like to call the esteemed panelist and chairperson on stage. Chairperson Dr. Bashir Yunus sir, would you please come on the podium? Panelist Dr. Ishtiaq Rasool, Dr. Naeem Malik, Dr. Javed Akbar Siyar, and Dr. Muhammad Hafizullah. Please, sir. I think you can call Professor Solat as well. We can put one more chair because he mainly dealt with blood pressure variability. Dr. Solat, please. No, it's now, yeah. Carry on with the panel discussion about previous discussions as well. Okay, sir, this case, 57 years male with no significant past, 150-90 is the blood pressure, and after 2 weeks of follow-up, we are getting blood pressure readings of 120 to 160. Sorry for the interruption. Dr. Imran has some. Yeah. I think you can conduct now from further. Yeah. You can conduct from here. You can. I just, because we keep on discussing these things, I just conclude these things. Two answers which were left: how to assess our ambulatory blood pressure monitoring, office-based monitoring, home-based reading, and combining them together. And are there strategies to use, yes, calcium channel blocker, ARBs, or combining two drugs may benefit your patient. Let's come to the questions: case 1, case 2, and case 3.